नमस्ते। ये वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा पार्किंग सेंसर किट। आपके पास एक कार हो या आप एक कार ड्राइवर हो और पार्किंग में आपका कभी दिक्कत ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह में एक गैराज में अगर आप हर रोज पार्किंग करते हो तो ये आपके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं। जैसे कोई पायलट एक हवाई अड्डे में अगर बार बार अपने विमान को उतारे तो उनके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं, चाहे वो रनवे जितना ही मुश्किल भरा क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको नए नए जगह में पार्किंग करना पड़े तो जरूर आपके पास एक स्मार्ट पार्किंग सेंसर, एक पार्किंग असिस्टेंट होना ही चाहिए। और पीछे वाला बम्पर में आपको हर कार में दिखाई देता है कि बहुत सारे स्क्रैचेस और क्रोच और एक्सीडेंटल पीछे वाला बम्पर में ज्यादा होता है, और साइकिल मोटरसाइकिल का भी वहाँ टायर का निशान मिलता है, क्योंकि आपके पास एक स्मार्ट पार्किंग सेंसर नहीं है। इसके कारण ये सब आपके साथ आपका कार को भी झेलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ एक असिस्टेंट पार्किंग सेंसर, और आप इसका इंस्टॉलेशन आपका कार में इजी आप कर सकते हो। इसका कनेक्टिविटी कैसे होता है वो मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं दिखाऊं, इसे मैं अनबॉक्स कर रहा हूं। इसमें मिलेगा आपको एक यूजर मैनुअल, इसमें आपको मिलेगा एक यूजर मैनुअल, उसके बाद एक होल शो जो कैमरा के साथ भी आता है कि आपका रियर बम्पर डैमेज ना हो, उतना होल किया जाए जितना जरूरत है। एक सेंसर, पार्किंग सेंसर बॉक्स, एक पार्किंग सेंसर मास्टर बॉक्स, एक पार्किंग सेंसर मास्टर बॉक्स जिसमें 1 2 3 4 यहाँ पर 4 सेंसर जाके जुड़ जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं, तो आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा ये वाला हिस्सा। पहले जूम करके आपको वहां लिखा साफ कुछ लिखा है वहां जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ लिखा है वहां। तो पार्किंग सेंसर के बारे में आप लोगों को सच धारणा हो जाएगा, सच एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है। ये जो रेड वाला जो जैक है तो आप देखिए यह है पावर, देखिए वहां लिखा है कि पावर, यानी वहां आपका कार बैटरी से कनेक्शन वहां आएगा। देखिए वहां लिखा है कि पावर, रेड में देखिए कि लिखा हुआ है कि पावर। उसके बाद देखिए ब्लू वाला यानी नीला वाला हिस्सा में देखिए लिखा है कि मॉनिटर, आपको दिखने के लिए कि दीवार खतरा ऑब्स्ट्रक्शन आपका कार का रियर बम्पर से कितना दूरी पर है। रेड यानी लाल वाला में है पावर, और नील वाला में यानी ब्लू वाला में है मॉनिटर। उसके बाद आप देखो यहाँ पर पीला वाला येलो वाला है, और वो है हॉर्न का साइन वहां दिया हुआ है आवाज के लिए,
आपका कार का रियर बम्पर जितना कतरे की नज़दीक जाएगा, यानी दीवार हो, ट्रैफिक बम्पर हो, ट्रैफिक डिवाइडर हो, उतना ही आवाज तेज होता जाएगा। मोबाइल की रिंग की तरह, पहला रिंग बहुत धीमा, उसके बाद और ज्यादा। आप फोन पिकअप करने में जितना देर करते हो और आवाज उतना ही बढ़ जाता है। ये भी वैसा ही है। आपका गाड़ी, आपका कार जितना खतरे का सामने आएगा, वो भी आवाज भी उतना ही बढ़ता जाएगा। कि आप सावधानी से पार्किंग करें, या कोई खतरा आपकी नजदीक आ रहा है। फिर ABCD, अब मैं ABCD के साथ आप लोगों का परिचय करवाता हूं। आप ABCD के बारे में आप लोग वाकिफ हो जाए कि ये ABCD है क्या। ABCD के साथ आप लोगों को ये वीडियो में वाकिफ करना जरूरी है। ये है ABCD, यानी ABCD है चार सेंसर। ये है ABCD, ये A है तो ये B है, आप इसे किसी भी नाम से आप इसे पुकार सकते हो। यानी चार सेंसर, ए है सी, और मानो ये है डी। ये है ABCD, चार सेंसर। मैं उंगली में रखकर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपका कार का रियर बम्पर में लग जाएगा। और इसमें आपका घबराने का कोई बात नहीं। अगर ये सेंसर आपका 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद खराब भी हो जाए, तो आपका रियर बम्पर में जो होल है उसके कारण आपका कार खराब नहीं दिखेगा। आप उसी होल में आप दूसरा नया सेंसर को डाल सकते हो जी। ये है ABCD, और ये है इसका कनेक्टिंग जैक। इजी टू इंस्टॉल, मैं आपको पहले ही बोला, आप भी कर सकते हो। ये सिर्फ जैक टू जैक सेट हो जाएगा, कोई वायर पंचर नहीं, कोई ब्लैक टेप का कोई जरूरत नहीं। जहां ब्लैक टेप नहीं है, जहां वायर पंचर वायर कटिंग नहीं है, वहां शॉर्ट सर्किट आग लगने का भी कोई खतरा नहीं है। बस हो गया जैक टू जैक हो जाएगा। एक बच्चा भी कर सकते हैं जी ये काम बहुत आसान है, इसमें कोई खतरा नहीं है जी। आप ये काम आसानी से कर सकते हो। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं फील कर रहा हूं। और इसमें कलर भी दिया हुआ है, देखिए आप, सफेद के साथ सफेद, जहां सफेद है उसके साथ सफेद होगा। इसमें कोई खतरा नहीं, ये चारों वहां लग जाएगा। आप क्या है, ये है डिस्प्ले यानी मॉनिटर। इंस्टॉल होने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, लेफ्ट L और राइट दिया हुआ है। यहां पर आपको दिखाई देगा कि खतरा आपका रियर बम्पर से कितना दूरी पर है, आपका सेंसर से कितना दूरी पर है। और ये है मॉनिटर, यानी यहां पर होगा, ये देखिए कितना आसानी से सेट हो गया। और ये पावर है तो आप भी कर सकते हो जी। ये पावर यहां पर ब्लैक एंड रेड पावर का इंडिकेशन दिया हुआ है, जो हम सब इसे बचपन से जानते हैं। और इसे यहां पर होगा इसका कनेक्टिविटी, बस यहां पर होगा इसका कनेक्टिविटी। देखिए, मैं इसे जोड़ दिया,
और बस इसे आपको सिर्फ पावर के साथ कार बैटरी पावर के साथ जोड़ना है कि अपने आप काम शुरू कर देगा। इसमें और कोई इंजीनियरिंग नहीं है, यहाँ पर एक गम पैड दिया गया कि आप इसे स्टेबल करने के लिए इसे आप नॉट भी कर सकते हो, आप इसे गम पैड से भी आप इसे स्टेबल कर सकते हो। और यहाँ पर और एक गम पैड दिया गया आपका डिस्प्ले को स्टेबल करने के लिए। बस यही इंजीनियरिंग इसमें है और कुछ खास कोई इससे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस समझना जरूरी नहीं है। बहुत आसान, इजी टू यूज। आप इसी होल में कोई महंगा से महंगा कार सेंसर भी आप डाल सकते हो, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा, एयरबैग हो, कार सेंसर हो या कार कैमरा हो, अहम वक्त पे वो काम करेगा ऐसा नहीं है। बहुत सारी हादसा में दिखा गया कि अहम वक्त पे ब्रांड से ब्रांड कंपनी का एयरबैग भी नहीं खोले। कुछ दिन पहले भारत का वेस्ट बंगाल में दो जाने माने लोगों का हादसा हुआ। बहुत बड़ा हस्ती तो नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में उसे जाना जाता है। एक था सिंगर था, बंगाली में जिसे कहते हैं कि लोकगीत सिंगर, और एक टीवी सीरियल का एक्टर था। दोनों का ही हादसा में, दोनों ही ब्रांड कंपनी का कार था। एक कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है और एक हुगली का पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दोनों ही ब्रांड में, जो ब्रांड कंपनी का कार है, इंपोर्टेड कार है, एयरबैग नहीं खोले। इसलिए चाहे आपका कार जितना ही अपडेट हो, आप औजार पर, आप आपका डैशबोर्ड पर जरूर भरोसा करोगे, लेकिन अपना सेफ्टी पर हर वक्त ध्यान दोगे, आपके पास कार सेंसर है, चाहे वो कंपनी का इनबिल्ट क्यों ना हो, आपके पास एयरबैग है, बुलेट प्रूफ ग्लास है, ये बहुत समय काम तो करते ही है। बहुत समय दिखा गया कि ये काम नहीं भी करते हैं, क्योंकि वो भी एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी की, हर टेक्नोलॉजी का एक सीमा रेखा है, वो कभी कभी फेल भी हो सकता है, वो अहम वक्त पे काम नहीं भी कर सकता है। इसलिए ऑन व्हील जब आप रहोगे, अपने सेफ्टी पर 100% ध्यान दोगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।